अस्सलाम वालेकुम, वेलकम आप सभी का इस नए वीडियो में। तो जैसे आप सभी को पता है कि 12th बेस पैरामेडिकल डिप्लोमा कोर्सेज की हमारी फिजिकल काउंसलिंग पहले राउंड की चल रही है। इस बीच हमारे पास यहाँ पे अभी एक ही दिन बचा है, यानी कि मंडे को हमारी काउंसलिंग जो है वो कंप्लीट हो जाएगी। तो आप लोगों का एडमिशन प्रोसेस तो यहाँ पे चल रहा है। तो आज इस वीडियो में हम बात करेंगे आपकी क्लास वर्क के बारे में कि क्लास वर्क के हवाले से क्या कुछ अपडेट है, कब तक आपकी क्लासेस जो है वो स्टार्ट हो जाएंगे। वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वीडियो को पूरा एंड तक देख लेना, चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना और टेलीग्राम ग्रुप हमारा ज्वाइन कर देना, लिंक उसके आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और उसके साथ साथ आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं, उसकी भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो चलिए वीडियो को शुरू कर लेते और देख लेते हैं यहाँ पे 12th बेस डिप्लोमा कोर्सेज की क्लास वर्क के बारे में। तो देखिए, आप सभी को पता है कि इस बार जेके बोबी ने काफ़ी डिफरेंट काउंसलिंग की 12th बेस डिप्लोमा के लिए। इन्होंने पहले राउंड में ही सभी कैंडिडेट्स को काउंसलिंग के लिए बुलाया, जो मैंने आपको पहले बोल के रखा था कि दूसरा राउंड काउंसलिंग का होने वाला नहीं है, क्योंकि INC के हिसाब से 30 अक्टूबर लास्ट डेट है। और अगर डेट एक्सटेंड हो भी गई एक महीने के लिए तो हार्डली उस टाइम में जो है वो BSc नर्सिंग का दूसरा राउंड काउंसलिंग का हो सकता है, लेकिन 12th बेस डिप्लोमा का दूसरा राउंड काउंसलिंग होने का कोई भी यहां पे चांस है नहीं। इस बीच यहां पे आपको पता है कि इस बार वहीं पे जो है वो स्पॉट एडमिशन से आप लोगों को दिए जाते हैं। तो नेक्स्ट डे आपको जाके अपने कॉलेज में रिपोर्ट करनी और एडमिशन अपना करना है। और अगर आप नेक्स्ट डे नहीं जाओगे तो 30 अक्टूबर आपकी लास्ट डेट है। 30 अक्टूबर तक आपको जो है वो जो भी AMT या जो भी कॉलेज आप लोगों को मिला है उसमें जाके आपको अपना एडमिशन का जो प्रोसेस है उसको कंप्लीट कर देना है। तो होपफुली जिन कैंडिडेट्स ने कल तक काउंसलिंग की है उन लोगों ने अपना एडमिशन किया होगा। अगर आपने नहीं किया है तो जाइए, कल परसों तक जाइए, 23 तारीख आपकी लास्ट डेट है, तो अपना एडमिशन यहाँ पे कर दीजिए। तो एडमिशन करते ही आपका जो नेक्स्ट स्टेप होता है वो आपका क्लासेस का होगा। देखिए, मंडे को आप लोगों की काउंसलिंग कंप्लीट हो जाएगी, देन उसके बाद 2 या 3 दिन बाद जो OP की वेबसाइट पर एक लिस्ट भी आ जाएगी आपकी सिलेक्शन लिस्ट। हालांकि उसकी कोई ज़रूरत नहीं है, आप लोगों को पहले पता चल गया कि मुझे कौन सा कॉलेज और कोर्स मिला है, उसकी कोई ज़रूरत नहीं। लेकिन फॉर्मेलिटी वो लिस्ट आपको BOPI की वेबसाइट पे देखने को मिलेगी। तो उसके बाद आप लोगों का क्लास वर्क जो शेड्यूल होगा वो यहाँ पे आ जाएगा। तो फिलहाल अभी तक तो जो है वो आपका जो क्लास वर्क होगा वो आपको अपना जो AMT होगा, जो भी स्कूल आपका कॉलेज है, वो लोग एक नोट्स जारी करके आपको इन्फॉर्म करेंगे क्लास वर्क के बारे में। अभी तक जो है वो सभी कॉलेजेस ने लिस्ट जारी नहीं किया है, बस AMT स्कूल श्रीनगर की लिस्ट अभी आई है क्लास वर्क के बारे में GNM के लिए। तो उन्होंने कहा है कि 11 नवंबर से आप लोगों का जो क्लास वर्क का शेड्यूल है वो यहाँ पे स्टार्ट हो जाएगी। 11 की 15 ऐसा ही कुछ है, मान के चलिए 15 नवंबर से आप लोगों का वो क्लास वर्क स्टार्ट हो जाएगा। सेम एज इट इज अदर जितने भी AMTs वगैरह हैं उनमें भी जो है वो नवंबर 10 या 15 तक जो है वो क्लासेस आप लोगों की लग जाएंगे। इसलिए जब आप एडमिशन कर लोगे आफ्टर दैट आप अपने कॉलेज के साथ ही कांटेक्ट कर लेना, चाहे कॉलेज की वेबसाइट होगी वहाँ पे रेगुलरली विजिट करके रहना, या आप फिजिकली कॉलेज जाके वहाँ से भी कंफर्म कर सकते हैं अपनी क्लासेस के बारे में। 30 तक तो क्लासेस नहीं लगेंगी आपको अक्टूबर तक, देन नवंबर 10 से 15 या 20 नवंबर तक आप लोगों की जो क्लासेस हैं वो यहाँ पे स्टार्ट हो जाएंगी। सेम एज इट इज़ आपका नर्सिंग पैरामेडिकल टेक्नोलॉजी का भी हो जाएगा और डिप्लोमा वालों का भी यहाँ पे हो जाएगा। बहरहाल हर कॉलेज हर AMT आप अपनी एक नोट्स जारी करके आपको क्लासेस के टाइम टेबल के बारे में बता देंगे कि कब से क्लासेस लग जाएंगे, क्या कुछ होगा, आपको कॉलेज वालों से ही कंफर्म मिलेगा। बाकी आप हमारे साथ जुड़े रह सकते हैं, जो ही किसी अदर कॉलेज की अपडेट आ जाएगी मैं आपको बताऊंगा। फिलहाल अभी तक सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट AMT स्कूल श्रीनगर का यहां पे आया है, उन्होंने जो वो 15 नवंबर से क्लासेस लगाना स्टार्ट कर देंगे, मतलब 15 नवंबर से उनको क्लासेस यहां पे लगेंगे डिप्लोमा वालों के लिए। तो एज इट इज सेम अदर कॉलेजेस और AMTs में भी रहने वाला है। बाकी आप जुड़े रहो हमारे साथ यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम और उसके साथ साथ व्हाट्सअप चैनल हमारी जरूर ज्वाइन कर देना, वहां पे आपको सारे अपडेट्स जो वो टाइम टू टाइम मिलते रहेंगे। तो फिलहाल वीडियो में खत्म कर लेंगे, कोई और अपडेट होगा हम आपको बता देंगे। बाकी ऐसी अपडेट्स के लिए हमारे साथ जुड़े रहो, YouTube, Instagram, Telegram हर जगह अपडेट्स आपको मिलते रहेंगे।